हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड के बारे में। जो लोग पहली बार थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं और बैंकॉक एयरपोर्ट यानी कि स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और उन्हें अपने होटल तक जाने में प्रॉब्लम होती है, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि उनके लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और कन्वीनियंट ऑप्शन कौन सा है। अगर बैंकॉक में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहाँ पर लोकल बसेस, बाइक, टैक्सी, टुकटुक और मेट्रो मिलती हैं, चलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए सबसे सस्ता और कन्वीनियंट ऑप्शंस कौन से हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपका होटल सुकुम्बित एरिया में है, जैसा कि ज़्यादातर लोग जो घूमने के पर्पज़ से जाते हैं उनके जो होटल्स हैं वो सुकुम्बित एरिया में हैं, तो आज सुकुम्बित एरिया के बारे में ही बात करेंगे कि अगर आप बैंकॉक एयरपोर्ट यानी कि स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और वहां से सुकुम्बित एरिया में आपका होटल है वहां तक जाते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको मिलेगी टैक्सी और टैक्सी का किराया होगा 300 से 400 baht। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो बैंकॉक का ट्रैफिक बहुत ही ख़राब है। कई बार आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक, और इसमें थोड़ा किराया भी ज़्यादा होगा। लेकिन फिर सस्ता ऑप्शन और बेहतर ऑप्शन कौन सा है? तो गाइस, जो बेहतर और सस्ता ऑप्शन है वो है यहाँ की मेट्रो। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेट्रो कहाँ से मिलेगी, कहाँ आपको जाना है, क्योंकि वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन हैं उनके नाम थोड़े अजीब हैं। तो अगर आप पहली बार उन्हें सुनेंगे तो आपको थोड़ा याद करने में मुश्किल होगी। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप बैंकॉक एयरपोर्ट से अपने सुकुम्बित होटल तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो गाइज़, ये यहाँ का मैप है बैंकॉक की मेट्रो का, और ये है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। तो गाइज़, ये है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और यहाँ से लेनी है आपको मेट्रो। तो अभी आपको जाना कहाँ है, कैसे है, वो रूट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ से मेट्रो के लिए टिकट लेंगे तो आपको यहाँ से जो आपको रेड लाइन दिख रही है, यहाँ तक आपका जो लास्ट स्टॉप है वो है पायाथाई। तो यहाँ तक आपको जाना है। तो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 7वां स्टेशन आपका वो होगा पायाथाई। तो पायाथाई तक आपको पहुँचना है। फिर पायाथाई के बाद में फिर आपको दूसरी मेट्रो चेंज करनी है और फिर आपको दोबारा टिकट लेना है। यहाँ पे दिल्ली की तरह सिस्टम नहीं है कि अगर आपने एक बार टिकट ले लिया, एक बार टोकन ले लिया, तो आप पूरी दिल्ली या जहाँ भी पूरे NCR में ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोबारा लेना होगा। तो पायाथाई में आपको उतरना है, उसके बाद में आपको इस रूट पर जाना है और ये नाना है, सुकुम्बित और अशोका, यहाँ का आपको टिकट लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ से आप शुरू होंगे, पायाथाई आपको उतरना है, दोबारा टिकट लेना है और सुकुम्बित एरिया आप पहुँच सकते हैं। जो टोटल टाइम लगेगा वो लगभग 40 मिनट के आसपास लगेगा, और अगर मैं यहाँ के फेयर की बात करूँ तो 45 के आसपास फुट आपका जो टोटल किराया है वो लगेगा। तो काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है और बहुत ही आसान एक तरीका है यहाँ आने का, क्योंकि अगर आप टैक्सी से आते हैं तो उसमें किराया तो ज़्यादा लगेगा ही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बुरा है बैंकॉक का। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपके पास ज़ाहिर तौर पर लगेज वगैरह होगा, तो टुक टुक बाइक वगैरह तो आपके लिए फिजिबल नहीं है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो यही है कि आप मेट्रो लें और इस रूट से सीधे 40 से 45 मिनट में अपने होटल तक पहुंच जाएं, वो भी काफ़ी कम किराए में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब आपको जाने का प्लान हो आप इस रूट को याद करके जा सकते हैं। तो गाइस, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।